हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम थे चंडीगढ़ में और अब समय आ गया था गांव निकलने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मेरा गांव है कोटद्वार में उत्तराखंड। और फाइनली 4 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार, क्योंकि यहां से इनको जाना था देहरादून के लिए और हमें जाना था कोटद्वार के लिए। और अभी रात के 4 बज रहे हैं और इनकी शक्ल देखो। पर यहाँ बहुत ढूंढने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, ना तो कोटद्वार की बस ना हरिद्वार की बस। तो इन्होंने सोचा कि एक जगह बैठते हैं और मुझे लगा दे काम पर ढूंढने के लिए बस। और फाइनली मुझे देहरादून के लिए बस मिल गई, ये देखिए आगे। और बहुत मेहनत के बाद फाइनली हमें मिल गई ये। इतने लेजी हैं ये, अब जाके आ रहे हैं। और काफी कॉल करने के बाद ये अब ये लोग आए जब बस छूटने वाली थी। बाय। और इनको बाय करने के बाद हम निकल गए कोटद्वार की बस ढूंढने के लिए, जिसमें हमें काफी समय लग गया। और अंधेरे में हमको हमारी बस भी मिल गई जो कि कोटद्वार जा रही थी। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये वाली बस कोटद्वार नहीं जा रही थी, हमें और वेट करना पड़ा। पर अच्छी बात ये थी कि हमें बस मिल गई थी उसके बाद ही, और हम पहुंच गए अपने गांव, जो कि है छोटा सा गांव जिसका नाम है कोटद्वार उत्तराखंड में। और हमें घूमकर आना पड़ा क्योंकि हरिद्वार से जो कनेक्टिंग ब्रिज था वो टूट गया था, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनली आ गए हमारी घर की गली। और अच्छी बात यह थी कि अभी बारिश नहीं हो रही थी, और जैसे ही हम घर पे पहुंचे भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश देख के मैंने मम्मी को बोला कुछ बनाने के लिए, पर ये मेरे साथ उल्टा हो गया। भीगते भीगते पुदीना लाने के बाद मुझे दूसरा काम मिल गया, मोगरी छीलने का, जिसको मक्की भी बोलते हैं। मम्मी इसको छीलते कैसे हैं? पैर नीचे कर और सर ऊपर कर। हैं? और पहाड़ों में रहने का ये बेनिफिट है कि फ्रेश मोगरी मिल जाती है। और मेरी मेहनत देखिए। और फिर हम इन सब को ग्राइंड कर देंगे और इसमें डालेंगे धनिया के पत्ते, जख्या और मसाले। और मक्की की रोटी के साथ साथ हमारे लिए है खीर, तोरी की सब्जी। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाते तोरी की सब्जी और रोटी। और खाना खाते ही हम निकल गए बाहर। और देखिए आगे का रास्ता बंद है क्योंकि आगे पुल टूटा हुआ है। ये देखिए पूरा ब्रिज टूट गया भयंकर, और ये नदी पूरी खाली हुआ करती थी, अभी देखिए उफान। और यहाँ पे पता चला हमको भैया से कि कल 40 मकान डूब गए कल रात में। पर अच्छी बात ये है कि सब खाली कर चुके थे पहले ही देखकर आपदा को। और फिर हम लौट गए घर की तरफ। और लौटते वक्त हमने ले लिया था स्प्रिंग रोल और क्रीम बन।
मुझे अभी तक जितने भी स्प्रिंग रोल मिले समय पता नहीं क्यों चाउमीन ही डलती है। तो चलिए फिर स्नैक्स खाने के बाद हम निकल गए अपने छोटे भाई की दुकान में, जो कि है असम हैंडीक्राफ्ट। बैम्बू केन जूट के प्रोडक्ट्स यहाँ पे। शाम को अचानक हम बैठे ही थे तभी बम भोले की आवाज़ आई, तो हमने सोचा देख के आते हैं। और फिर घर आने का मन तो कर नहीं रहा था बट हम घर आ गए और साथ में मोमोस और चाउमीन लेके आए, और जो कि खाने में उतने ही स्वादिष्ट थे जितने स्वादिष्ट ये दिख रहे थे। बहुत ही टेस्टी, और ये चटनी बड़ी तीखी थी, मस्त यार। ये चटनी सिर्फ मेरे यहीं मिलती है और देहरादून में। देखिए मैं फिनिश करता हूँ इसको, चाउमीन और मोमोस को, और इसके साथ ही व्लॉग को भी फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।